দেরিওয়ালা তো নিয়ে নিতে, আর ও মেয়েরা ফাটা কাপড় দেবে, এ কাপড় মেয়েরা এ কামড়া দেবে, এগো আয়া তোর সাপ কামড়ে বালা নেই গুরু হে সীমা করতে গন্ধা করা গন্ধা কর দিয়া তো ছাপাই করেটা কেছি করেগা কেছি ও তো যো ঘুটেগা ও মাটিয়া গা হাত ফেল করছে ইতনো হাত ফেল করাইতা হাত ফেল করাইতা বহুত দর্দ মাঝে কুয়ে আমাদের কামড়া কে আমরা কুয়ে ধুই পাইতা और ये उधर वो रेंजीवनपुर नाम से रामजीवनपुर चूड़ीदारी और चूड़ीदारी गुद्दारी बेटीदारी खूनदारी चुप मारानी जुदीदारी ओ चुड़का जुदिका जुदला चुदला ये चूड़ी बात है अरे सारे चुद मारणी है चुद अरे चुद मारणी जुटे कौशिक जुटे कितना कष्ट एक लोग नहीं है कोई काम नहीं करता है इतना परेशान रहता है ये बच्चा लोग इतना परेशान रहता है और रो के मिलता है हरिद्वार सिचुएशन के दो दो बज गया फिर भोजन मिलता था मैं अकेला हूँ मेरा ये कपड़ा ये पुराना वो यूएसए तक मेरा वीडियो जा रहा है मेरा ये वीडियो यूएसए तक जा रहा है तो मेरे पास पैसा नहीं है इधर वो हर दिन हमको ठोकता है वो जहाज से ऊपर उठाएगा और नीचे नमाएगा इतना मजाक करता ब्लू है अरे चुरीर कुमार एक है मोदी अरे हरामजादी इसने देश को क्या कर दिया गड़बड़ कर दिया अच्छा अक्षर तृतीया था और कुछ अरेंजमेंट नहीं कर पाया कौन करेगा अक्षर तृतीया में कोई नहीं है मेरा आश्रम इधर कोई नहीं रहता वो कोई मिठाई ले आना कुछ ले आना कौन ले आता कोई नहीं है ही नहीं फिर लॉकडाउन हो गया जाने वाला नहीं है और वो दोनों हाथ टूट के लेके आया किरदार एमपी से आया वो तो आता है रामजी उनसे ही अकेला है भोजन के लिए आते हैं एक बार नहीं वो तो साइकिल में फिर चले जाएंगे वो आते हैं यहाँ से 8-10 किलोमीटर वो एक रामकृष्ण मिशन का साधु थे तो दिया अपने अपने लोगों के लिए वो दिन भी दिन रहता है वो अपना ये चरण से रहता है ये आ रहा है 20-21 महीने आ रहा है कोई है नहीं तो भोजन बनाने के लिए लकड़ी से भोजन बनाना दिक्कत पड़ता है मैंने ठीक है आप आओ तो खा परिचित में है वो परिचित में वो बड़ा जमींदार घर का लड़का है वो उम्र इतना हो गया अनमैरिड है वो बहुत बड़ा जमींदार है पूरा इन लोगों का सारे सब साधु साधु हो गए ये लड़का वो जो ये बच्चा वो एमपी का है मध्य प्रदेश हाँ वो खंडवा उज्जैन वो भोपाल क्या क्या हाँ उधर वो हाँ वो भी लाती रहा वो लाती रहा मेरा गुरु जी के पास आ गया उनको बचा लिया वो दाइनी उइस के पल्ला में पड़ गया था वो 12-13 साल में वो जादू विद्या सीखने जा रहा था वो वहाँ का लोगों का अपविद्या होता है कोलिकाल का साधु है ना वो साला वो कपाली कंडल हो जाता है वो सोच रहे थे मैं अरे आदमी मारूंगा गोती करूंगा चेला बनाऊंगा करके वो जादू बिंदा सीखने जा रहा था वो आसाम में तो मेरा गुरु जी तो त्रिकालों को सभी देखते हैं तो ढूंढने होंगे उनको देखा जो वहाँ रो रहा है मर जाऊंगा करके कोई इशू में इसमें
तो जब भी भगवान बचाव बचाव करता है तो सुन लेता है, सबका अंदर में बैठे रहता है। तो फिर वो उनको बुला के हमारा आश्रम में ले आया था 2000 साल में। हाँ 2000 साल में घोड़ा जिम सीखा, वो कुछ थोड़ा बहुत है इसे, वो घर में ही सीखता है, उधर भी एमपी में ही होता है, बंगाल में और किसी के पास तो विद्या नहीं है। आजकल ये मिट्टी के नीचे में जाके वो नाव में चुदुर बुदुर करके वो राक्षस बना हुआ है ब्लू है, इसीलिए उसमें खतरा रहता है। हाँ वो बंगाली देखने में, बंगाली नाम सुनने में वो, लेकिन यहाँ का औरतों लोग जो है ना 420 है। हाँ 420 है सर, लड़का नहीं सब नहीं है हमारा इधर बेस्ता तो नहीं होता है, लेकिन कोई सूद मारा नहीं हुआ, वो बेस्ता के जाराज रहा, वो उसी कारण हो गया। कम कर बेस्ता के बेटी लोग वो धाड़ीबाजी करता है, तो वो तो सेलिब्रिटी है, वो इधर अवार्ड मिलता है, भारत रत्न सुधीर रत्न करके मिलता है। वो क्या शुद्ध भारत हमें अपभाषा यूज कर रहा हो, सारे को मुंडू खा रहा है, साधु संत सज्जन का मुंडू खा रहा है और वो ये अवार्ड देता है। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ, नहीं तो ये पूरा वीडियो मेरा सत्यना